वेलकम टू दी श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपनी बात करेंगे क्लास 11th की हिंदी मीडियम रसायन विज्ञान सेकंड यूनिट फर्स्ट। आज अपनी बात करेंगे पार्ट सेकंड। फर्स्ट मैंने करा दिया है, पीछे वाले में देख लेना, आपको पार्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले अपनों ने फर्स्ट पार्ट में किया था ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित किया था इलेक्ट्रोनीय अवधारणा के अनुसार। आज अपने ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित करेंगे ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के अनुसार। ऑक्सीकरण अंक वैसे अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे ऑक्सीकरण अंक का। अभी थोड़ा समझने के लिए आप देख लो, किसी भी परमाणु या अणु पे जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। अपने इसके नियम वगैरह पढ़ेंगे। आज अपने ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित कर रहे हैं ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के अनुसार। तो आपको याद नहीं करना पड़े परिभाषा को, इसलिए मैं कुछ यहाँ पे आरेख बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने लिख दिया जीरो, इधर की तरफ लिख दिया प्लस वन, इधर की तरफ लिख दिया प्लस टू, इधर की तरफ लिख दिया प्लस थ्री, इधर की तरफ प्लस फोर, प्लस फाइव, और नेक्स्ट इधर लिख दिया मैंने प्लस सिक्स। यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस वन, इधर की तरफ माइनस टू, इधर की तरफ माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, और इधर आ जाएगा माइनस सिक्स। मैंने तुम्हें बताया था जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। कहने का मतलब है प्लस वन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस दो का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस तीन का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन की कमी, और प्लस चार का मतलब चार इलेक्ट्रॉन की कमी। ऐसे ही यहाँ पे माइनस वन का मतलब किसी परमाणु अणु या आयन में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अधिकता कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। माइनस दो का मतलब दो अधिक, तो इसका मतलब अगर अपने यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, मान लो प्लस सिक्स है, प्लस फाइव हुआ, प्लस सिक्स का मतलब छः इलेक्ट्रॉन की कमी, पाँच की तरफ गया मतलब पाँच की कमी हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आया है, और आने को अपने क्या बोलते हैं, अपचयन। अब यहाँ पे देखो, इधर से मैं नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाऊँ तो मतलब छः की अधिकता थी, पाँच होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जाने को अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑक्सीकरण। इसको आपको अगर विस्तार से अध्ययन करना है तो इसके लिए आपको इसका पहला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे इसको परिभाषित करना है ऑक्सीकरण अंक, तो अब अपने अंक के आधार पे परिभाषित करेंगे, और अंक के आधार पे परिभाषित करें ना तो मैथ का यूज करेंगे। यहाँ पे मैथ में देखो, प्लस वन का मतलब एक अधिक, प्लस दो का मतलब दो ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, अंक में वृद्धि। तो अंक में वृद्धि होगी उसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो मैं इधर लिख देता हूं अंक में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन के आधार पे तो है, इलेक्ट्रॉन की कमी, दो की कमी, मगर अंक में क्या हो रही है, वृद्धि, उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण अंक अवधारणा है। और अंक में कमी, अपचयन का मतलब अंक में कमी, अंक में कमी हो रही है अपचयन में, अंक में कमी का मतलब क्या हो गया, माइनस वन से कम हो गया, माइनस टू, फिर माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, प्लस सिक्स से प्लस फाइव, तो अंक में क्या हो रही है, कमी, उसको अपने क्या बोलते हैं, अपचयन। तो अब इसको परिभाषित करेंगे अपने किसके आधार पे, ऑक्सीकरण अंक के आधार पे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं ऑक्सीकरण, अपने परिभाषित करेंगे किसको, ऑक्सीकरण को। देखिए क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक
अब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, प्लस वन से प्लस टू, प्लस टू से प्लस थ्री, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो। तो बहुत सिंपल परिभाषा है ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के अनुसार। ऑक्सीकरण क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। यहाँ पे अपने किसके द्वारा परिभाषित कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अंक के द्वारा। कल अपने नेक्स्ट जो पहले वाला पार्ट किया था उसमें अपनों ने किसके अनुसार परिभाषित किया था, इलेक्ट्रोनीय अवधारणा के अनुसार। आप देखो अपने बात करें, जैसे एग्जाम्पल मैंने इधर लिख दिया जिंक, जिंक कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, दो, दो को त्याग दिया क्या आ जाएगा, बस इसमें अंतर यही है इसमें अपने इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित नहीं करते इसके उदाहरण में, ठीक है। अब अपने को अंदर से ध्यान रखना है इसके इलेक्ट्रॉन गए दो। अब देखो जिंक क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका अंक हो गया जीरो। टू प्लस का मतलब क्या होता है, टू प्लस का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मगर अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जीरो से क्या हो गया प्लस टू। तो आगे क्या बात समझ में, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। आगे बात समझ में, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो। मैं थोड़े सिंपल एग्जाम्पल लूंगा अभी, जैसे जैसे अपना पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्ड लेंगे, डायरेक्ट हार्ड एग्जाम्पल नहीं लेंगे वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब अपने देखो नेक्स्ट, अगर मैं इधर लिख देता हूँ सोडियम, एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Na प्लस। पहले देखो इधर क्या चार्ज था, इधर जीरो था, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया इसका मतलब इसमें क्या जाएगा प्लस वन। अंक में क्या हो रही है, अंक में हो रही है वृद्धि, और अंक में वृद्धि हो रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं अपचयन, कौन सी अवधारणा के अनुसार पढ़ेंगे अपचयन, ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के अनुसार केवल परिवर्तन क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो। देखो कमी हो रही है, जीरो से माइनस वन, माइनस टू, छह से पांच, पांच से चार, तीन, तीन और दो। अब आगे देखो अपने अपचयन, तो क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में कमी हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, अपचय। अंक में कमी का मतलब आप अपने उदाहरण लें, जैसे ये क्लोरीन है, अब कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, दो को, मतलब एक क्लोरीन परमाणु में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को, दो हो गए क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो गए, 2Cl-, यहाँ पे चार्ज क्या था जीरो, इधर की तरफ क्या हो जाएगा माइनस वन। बताओ अंक में क्या हो रही है, कमी। वैसे इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखी तो इलेक्ट्रॉन में तो वृद्धि हो रही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि मतलब माइनस वन, दो की मतलब माइनस टू, तो यहाँ पे जीरो से माइनस वन अंक में क्या हो रही है, कमी। अब देखो नेक्स्ट एक और लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, देखो Fe3+ कन्वर्टेड इंटू, थोड़ा हार्ड लिया है मैंने, थोड़ा सा ध्यान से देखना, Fe2+। यहाँ पे देखो अंक में क्या हो रही है, कमी, और वैसे देखा जाए तो तीन प्लस का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन की कमी, आगे क्या प्लस दो का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन आया है, आना मतलब अपचयन, और अंक के आधार पे देखे तो क्या हो जाएगा इसका मतलब अपचयन, क्योंकि तीन प्लस है और किस में बदल गया, टू प्लस में, तो देखो तीन प्लस किस में बदल गया, टू प्लस में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। एनी प्रॉब्लम, अब अपने करते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक है औक्षीकारक तथा अपचायक पदार्थ। देखो भी किसी भी रासायनिक क्रिया में अपने को पता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है किसी परमाणु द्वारा और किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। उन दोनों अभिक्रिया को मिक्स कर दे इलेक्ट्रॉन देने वाली और लेने वाली को उसको अपने रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे बात यह है उस परमाणु को क्या बोलेंगे, उस अणु को क्या बोलेंगे, अपने उस पदार्थ को क्या बोलेंगे जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। तो उस पदार्थ के नाम के आधार पे अपनों ने डिवाइड किया है औक्षीकारक तथा अपचायक पदार्थ। तो मैं दोनों को साथ में लेता हूँ, एक अभिक्रिया लेते हैं, थोड़ी सिंपल लेंगे अपने। पहले चलो अपने ए और बी से रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ पे देखो मैंने इधर ले लिया ए प्लस इधर की तरफ मान लो ले लिया मैंने बी, ठीक है। अब मान लो ए ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो ए के ऊपर मैं लगा दूंगा इधर प्लस, और मान लो उस बी ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो इधर मैं बी के ऊपर क्या लगा दूंगा, माइनस। थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब अपने को पता है कोई भी परमाणु अणु या आयन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का, उस अभिक्रिया को अपने कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, औक्षीकरण अभिक्रिया। और अपने को पता है कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस अभिक्रिया को अपने बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। आगे बात समझ में, बात है ये तो अभिक्रिया होगी, इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। थोड़ा मैं और रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे मजे नहीं आएंगे। देखो भी ए इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया प्लस, प्लस में क्या जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अब यहां से दूसरी अपने लेते हैं अपचयन। बी ने इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ग्रहण करना मतलब आवे मतलब है अपचयन, जावे मतलब है ऑक्सीकरण। तो इधर क्या आ जाएगा, बी के ऊपर आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये मैंने थोड़ा आरेख ये थोड़ा डिटेल से लिख दिया। अब देखो समझने के लिए मैं कहता हूं ए यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता तो क्या बी इसको ग्रहण करता। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ए यहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता तो क्या बी इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता, नहीं करता। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, बी को अपचयित करने का कार्य करता है। मेरी बात समझ में आ गई। और ए खुद क्या हो रहा है, औक्षीकृत। तो कहने का मतलब है किसी दूसरे को अपचयित कर देना वो औपचायिक पदार्थ होता है। तो ए किसको अपचयित कर रहा है, बी को। इसका मतलब ए यहां पे क्या है, ए यहां पे है अपचायिक पदार्थ। परिभाषा भी लिखूंगा, पहले समझ लो फिर परिभाषा लिख देंगे इसकी। देखो भी अब दूसरी बात सुनो, बी अगर यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता तो क्या ए का ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट मानी जाती, नहीं मानी जाती। इसका मतलब बी ने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तभी रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट हुई, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इसका मतलब बी दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत। इस आधार पे मैं कह सकता हूं यहां पे जो बी है वो क्या हो जाएगा, अपचयन। आगे बात समझ में, तो यहां पे परिभाषा लिख देते हैं अपने। सबसे पहले लिखते हैं औक्षीकरण, तो बी क्या है यहां पे, औक्षीकारक। तो क्या हो जाएगा, औक्षीकारक क्या हो गया,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ। इस ऑक्सीकारक पदार्थ की और क्या खास बात होती है, दूसरी ओर देखो यहां पे क्या लिखेंगे अपने, ये क्या करता है, किसी दूसरे को ऑक्सीकृत करता है और खुद स्वयं क्या होता है, अपचयी। तो लिखो यह है किसी दूसरे पदार्थ को, यह किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं अपचयित होता है। तो देखो ध्यान से, बी क्या कर रहे हैं यहां पे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ए को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत। तो यहाँ पे बी क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ। दूसरी परिभाषा लिखते हैं अपने, अपचायक पदार्थ। इसी के अनुसार हो जाएगी अपचायक पदार्थ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कौन सा पदार्थ कहलाता है, अपचायक पदार्थ। इसकी क्या खास बात होती है, ये दूसरे को क्या करता है, अपचयित, और खुद क्या होता है, ऑक्सीकृत। तो यह है किसी दूसरे को क्या करता है, किसी दूसरे को अपचयित करता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत होता है, अब इसको किसी उदाहरण से लेते हैं अपने, ये तो चलो ए बी समझाने के लिए लिया। देखो बढ़िया सा सिंपल सा उदाहरण लेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हार्ड होते जाएंगे। देखो भी नेक्स्ट अपने देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं सोडियम प्लस, इधर की तरफ लिख दूं Cl2, क्या बन जाएगा, NaCl। ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से लिख रहा हूं समझाने के लिए। यहां पे देखो सबसे पहले होता क्या है, सोडियम क्या करता है, पहले इसको बैलेंस करेंगे, इधर की तरफ कितने हैं, क्लोरीन दो, इधर सोडियम कितने कर देंगे, दो, और इधर कितने आ जाएंगे, 2NaCl। यहाँ पे देखो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, एक का, दो सोडियम कितने का त्याग करेंगे, दो का, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, 2Na, और किस में बदल जाएगा, 2Na+ में। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे जो ली अपनों ने, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो मैं इधर ले लेता हूँ क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया सोडियम ने, तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, दो कितने हो गए, दो।
अब Cl2 इसी दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा तो मैंने तुम्हें बताया था क्लोरीन क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, तो अपने क्या है अलग अलग हो उसमें दो आगे लगाते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अपचय। अब देखो ये आपको नाम नहीं याद रही, इसका तरीका देखो, LIC एजेंट नाम सुना है, LIC एजेंट खुद की थोड़ी LIC करता है, किसकी करता है, दूसरे की। तो आप याद करने का तरीका देखो, ऑक्सीकारक मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करने वाला, ठीक है, अपचायक मतलब किसी दूसरे का अपचयन करने वाला, सीधी सी बात है। तो यहां पे देखो ऐसा, अब देखो ये है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता तो क्या ये अपचयित हो जाता, तो ये दूसरे का क्या कर रहा है, अपचय, दूसरे को क्या कर रहा है, अपचयित। तो Na यहां पे क्या हो गया, अपचायक पदार्थ। अगर यहां पे क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता तो क्या इसका ऑक्सीकरण माना जाता, नहीं, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीकरण और थ्रू क्या हो रहा है, अपचयित, तो दूसरे को कर रहा है उसी के नाम से है, और दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, अपने और आगे पढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लेंगे, नीट के भी बताऊंगा इसमें आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो समझ में आ गया, ये नाम किसी दूसरे के आधार पर है, ऑक्सीकारक मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करने वाला और स्वयं का अपचयन करने वाला। आगे बात समझ में, अपचायक मतलब क्या हो जाएगा, अब दूसरे का अपचयन करने वाला और खुद का क्या करने वाला, ऑक्सीकरण। एनी प्रॉब्लम, स्टे सेफ एंड स्टे होम।